इधर कांग्रेस आला कमान नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के नेतृत्व में सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आज जिले के उपायुक्त से मिल महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से सांसद श्रीमती कोड़ा ने बताया कि वैश्विक संकट के इस दौर में एक ओर जहां आम लोगों को रोजगार छीने जाने की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में आम लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने आम जन भावनाओं की कद्र करते हुए अविलंब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगाम लगाए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है। श्रीमती कोड़ा ने बताया कि भाजपा सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बोलती रहती है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में पेट्रोल की कीमतें काफी कम है, जबकि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सही नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल के बहाने गरीबों के जेब से सीधे तौर पर पैसे निकालने का काम कर रही है। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को गरीब विरोधी करार दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक है। देखिए, आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर के। और इस महंगाई पर, इस बढ़े हुए दाम के कारण आज हमारे गरीब किसान, आम जन, हमारी ये माताएं बहनें सभी शोषित हैं, सभी परेशान हैं कि आज ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना दाम राइज किया है, इतना ज़्यादा बड़ा है। और इस लॉकडाउन की अवधि में जब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और ऐसे परिस्थिति में इस तरह का निर्णय लेना, ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को शोषित कर रही है और हिटलर शाही रवैया, तानाशाही रवैया अपना रही है। तो इसलिए आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार पर आग्रह कराया है कि पेट्रोल डीजल के दाम वापस ले सकता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम है तो भारत में क्यों इतना बढ़ा हुआ है, जबकि अगल बगल हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उस पर वहाँ के दाम कम है। चाहे पाकिस्तान, दिन रात भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का नाम लेती है, पाकिस्तान में भी कम है, श्रीलंका में कम है, हमारे नेपाल में कम है, उसके बावजूद आज भारत में इतना ज़्यादा राइज है। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, यहाँ के जनहित के लिए उनको विचार करना चाहिए। सिर्फ वर्चुअल रैली करने से नहीं होगा, आपको लोगों की समस्याओं को भी देखना होगा। जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, यहाँ पर जनता बेहाल हो गया है, त्रस्त है। पिछले देखा जाए तो जब से 2014 से ही भाजपा की सरकार केंद्र में आ गई है, तब से डीजल पेट्रोल जो आम लोगों को काफ़ी इससे प्रभावित करता है, आज विदेशों में क्रूड तेल, कच्चा तेल का दाम घटने के बावजूद भी यहाँ पे हिसाब बढ़ा दिया गया है। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस प्रकार का बढ़ोतरी नहीं होता था। एक ही बैंक, ये तो इतिहास में पहली बार है कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, इन सारे लोग का आज राष्ट्रव्यापी डीजल पेट्रोल का बढ़ोतरी का विरोध में आज धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश। हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जनता की बात सुन नहीं रही है, जनता को देख नहीं रहा है। आज बेरोजगारी से परेशान है लोग, लेकिन जनता के ऊपर में इसे बोझ डाला जा रहा है। तेल का दाम बढ़ गया तो चावल का दाम बढ़ गया, राशन का दाम बढ़ गया, ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, खाद का दाम बढ़ गया, अनाज का दाम बढ़ गया, तो ये जनता को ही प्रभावित कर रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड की रिपोर्ट।